हाल ही में बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल से शादी हो गई है। अब इसके बाद ही लाइन में है बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर। जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की इन स्टार किड्स में से एक है जिन्होंने अपने फैंस के दिल में अपनी खास जगह बना ही ली है। अपने करियर की शुरुआत फिल्म धड़क से करने वाली जाह्नवी ने अब तक कई फिल्मों में अपना दम दिखाया है। फैंस भी उनकी एक्टिंग को लेकर जमकर तारीफ करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ जाह्नवी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। जाह्नवी पिछले काफी वक्त से शिखर पहाड़िया को डेट कर रही हैं। दोनों को अक्सर कई जगहों पर एक साथ स्पॉट कर लिया जाता है। कई बार जाह्नवी शिखर के साथ अपने रिश्ते पर बात भी कर चुकी हैं। वो अपने प्यार का इजहार करने में जरा भी नहीं कतराती। इसी बीच अब उन्होंने शादी के प्लान पर भी खुलकर बात कर ही दी है। जाह्नवी कपूर ने हाल ही में कहा है कि मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ, ना तो मेरे पास और ना ही उनके पास अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम है। वहीं जब एक फैन ने एक्ट्रेस से कहा कि जाह्नवी और शिखर का हैशटैग क्या जस्सी होना चाहिए, इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरी ये पसंद नहीं है, हमारा हैशटैग जानवर होना चाहिए, यानी जाह्नवी और शिखर। इस बात से साफ है कि अभी दोनों शादी का कोई प्लान नहीं बना रहे हैं। लेकिन जाह्नवी कपूर सुधांशु सरिया द्वारा निर्देशित अपकमिंग फिल्म उलझ में जल्द नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ गुलशन देवैया, रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन, राजेंद्र गुप्ता, राजेश तैलंग, मिल्यांग चौंग और जितेंद्र जोशी जैसे कलाकार स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। उनकी ये थ्रिलर फिल्म 2 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। इसके बाद आप भी देखिएगा कि जाह्नवी ने नई फिल्म में क्या जादू दिखाया है। इसके अलावा जाह्नवी साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ देवरा में भी नजर आएंगी। जाह्नवी अक्सर अलग अलग तरीके की फिल्मों में काम करती हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि जाह्नवी हर जगह ट्राई कर रही हैं और अपना जलवा हर जगह बिखेर रही हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।